चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी न्यूज़ से स्वागत है। मैं हां थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हेडलाइंस ते। केंद्र सरकार ने किसानों नूं दिता दिवाली का तोहफा। हाड़ी दियां फसलों के MSP च होया वाधा। 2025-26 लई हाड़ी दियां फसलों लई घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं दित्ती प्रवानगी। तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दिता अस्तीफा। विरसा सिंह वलटोहा वालों की जा रही नीवे पद्धर की बयानबाजी नूं दस्या अस्तीफे का कारण। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के अस्तीफे तो बाद सिख पंच भारी रोस। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ग्ञानी रघबीर सिंह जी का आया बयान। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अस्तीफा ना मंजूर करन दी कीती अपील। हुण खबरां विस्तार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी वाली आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 लई सारियां लाजमी हाड़ी फसलों लई घट्टो घट्ट समर्थन मुल MSP च वाधे नूं मंजूरी दे दित्ती है। सरकार ने मंडीकरण सीजन 2025-26 लई हाड़ी दियां फसलों के घट्टो घट्ट समर्थन मुल दे विच वाधा कीता है तां जो उत्पादकां नूं उन्हां दी उपज लई लाहेवंद भाव यकीनी बनाया जा सके। रैपसीड अते सरों लई 300 रुपए प्रति क्विंटल अते उस तो बाद दाल मसूर लई 275 रुपए प्रति क्विंटल दे हिसाब नाल घट्टो घट्ट समर्थन मुल च सब तो वध वाधे दा ऐलान कीता गया है। छोले कनक केस फ्लावर अते जौ लई क्रमवार 210 रुपए प्रति क्विंटल, 150 रुपए प्रति क्विंटल, 140 रुपए प्रति क्विंटल ते 130 रुपए प्रति क्विंटल दा वाधा होया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान नूं असिद्धा संदेश दिंदे होए अज कहा कि जेकर सरहद पार दीआं गतिविधियां अतवाद कट्टड़वाद अते वक्खवाद ते आधारित होणगीआं तां वपार ऊर्जा ते संपर्क सुविधा वर्गे खेतरां दे विच सहयोग वधाउण दी कोई संभावना नहीं है। उन्हां कहा कि अतवाद अते वपार इकट्ठे नहीं चल सकते। जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन दे एक सम्मेलन नूं संबोधित करदिआं कहा कि सहयोग आपसी सन्मान ते समानता दे आधार ते होना चाहिए है ते इस दे विच राष्ट्रां दी खेतरी अखंडता ते प्रभुसत्ता नूं मानता देनी चाहिए है। पाकिस्तान चीन दा नाम ले बिना जयशंकर ने कहा कि सारे देशां नूं एक दूजे दीआं सरहदां दा सन्मान करन दी लोड़ है। इस वेले दी वड्डी खबर सामने आई है। तख्त श्री दमदमा साहब तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने जथेदार वजो अस्तीफा दे दिता है। जिक्र योग है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते साबका अकाली आगू विरसा सिंह वलटोहा लगातार सवाल चुक रहे सन जिस दे चलदिआं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी दे वल्लों एक कदम चुकिया गया। उन्हां पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार नूं सुरक्षा वापस लैण दी भी अपील कीती है ते उन्हां सिख संगत तों माफ़ी मंगी है ते भावुक हुंदिआं बयान दित्ता। मैं अपनी कौम नूं अपने पंथ नूं ये जानकारी देना चाहुंदा कि विरसा सिंह वलटोहा जो लगातार सिंह साहिबान दे खिलाफ करदार कुशी कर रहा सी उस खिलाफ़ कल श्री अकाल तख्त साहब तो पंथ सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया। उस तो बाद भी वो लगातार हर घंटे किरदार कुशी कर रहे हैं खास तौर के उत्ते मैनू निशाना बना के और हुण उस वल्लों नीचता दियां हद्दां जिहड़ियां वो पार कर दित्तियां गईयां ने। सुनेहे भजवाए जा रहे हैं मेरे परिवार को नंगियां करन लई और मेरियां तियां तक नूं फड़न लई और इह गल्लां बर्दाश्त तों बाहर है। मैं पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं अपना अस्तीफा भेज रहा और उन्हूं कह रहा कि मेरा अस्तीफा प्रवान किया जाए। मेरी जात तक परखी जा रही, मैनूं थ्रैट किया जा रहा, गलत धंधे सुनेहे भजवाए जा रहे और ये निचता दियां हद्दां पार करनी है और मैं उन्हां नूं ये माण दे नाल कहना कि तुहाडी रखी पग नूं मैं बेदाग अपने घर लैके जा रहा, इहनूं दाग नहीं लगन दित्ता। जदों मेरे ते BJP ते RSS दे दल्ले वर्गे इल्जाम लाउण दा जिहड़ा नापाक कोशिश उहदी असफल रही ते हुण उह घटिया दर्ज दियां हरकतां जिहड़ियां उह कर रहा। बस मैं अपनी कौम नूं जानकारी देनी सी और मैं अपनी कौम तो माफ़ी मांगदा। इस सेवा दौरान जे कि मेथों को गलती हुई होगी, मेथों को किसी प्रति माड़ा लफ्ज़ बोलिया हो, मैं क्या मैं चाचक हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेरी संस्था है, मैं अपनी संस्था का हमेशा वफादार रहूँगा। मैं
भारत सरकार नूं पंजाब सरकार नूं ये कहना चाहना कि मैं तख्त श्री दमदमा साहब की जिहड़ी जथेदारी है उहदे तों मैं अस्तीफा दे दिता। मैं एक नमाणे सिख वजो विचरना, मैनू भारत सरकार ने जां पंजाब सरकार ने जिहड़ी सिक्योरिटी दित्ती है जां गड्डी दित्ती है वो वापस लै ली जाए, क्योंकि मैं इस सिक्योरिटी नूं अफोर्ड नहीं कर सकता। तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के वलों दिए गए अस्तीफे तो बाद सिख पंथ के भारी रोस है। इसका प्रगटावा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघवीर सिंह ने बयान जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दास सेवादार श्री अकाल तख्त साहब प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आदेश करता है कि सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का जिहड़ा अस्तीफा है वह मंजूर नहीं करना चाहिदा, और ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं अपील कीती कि वह अपने दिते हुए इस सेवा तो अस्तीफे ते मुड़ विचार जरूर करन। उन्हें कहा कि जेकर ज्ञानी हरप्रीत होरां दा अस्तीफा प्रवान किया जाता है तो फिर असी सारे भी श्री अकाल तख्त साहब की सेवादारी तो अस्तीफा देने वास्ते मजबूर होवांगे। अज शाम नूं एक बहुत ही दुखदाई खबर टैलीविजन के माध्यम के राही और सोशल मीडिया के माध्यम के राही समुचे संसार विच वसदियां होईयां सिख संगतां ने सुनी है पढ़ी है, जो कि बहुत दुखी मन दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो जिन्हां दे बच्चियां ते परिवार ते कमेंट करदिआं होईयां गंदे जिहड़े शब्द सन वो वरते गए और जिस तों दुखी हो के इस जलालत तो दुखी हो के यानी हरप्रीत सिंह जी होर ने जिहड़ा अपना अस्तीफा है वह जथेदार की पदवी तो दिता है और अपना उन्होंने अस्तीफा सोशल मीडिया के उत्ते वायरल भी किया है और प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी उन्होंने अपना अस्तीफा भेजे है। दास सेवादार श्री अकाल तख्त साहिब प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह आदेश करता है कि सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का जिहड़ा अस्तीफा है ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅੰਡਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਬਤ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 90% ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 90% ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ
कि साढ़े इलाके दे विच बिल्कुल शांति दे नाल ते कोई भी शख्स एक भी रिट नहीं, कोई ये नहीं कह सकता साढ़े कागज खारिज कराते साढ़े नाल धक्का करता। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि डेमोक्रेसी की पहचान उदों ही है जदों फ्री ते फेयर इलेक्शन होवे। ते इस गल दी बहुत खुशी है कि आम आदमी पार्टी के 90% जिहड़े सरपंच आ जित के आए हैं। साढ़े बहुत सारे जिहड़े नवे नौजवान उन्हीं वड्डे वड्डे राजनीतिक जिहड़े खुंड कहांदे सी उन्हां दे पिंडां दे विच उन्हां नूं हरा के जित हासिल कीती है। सारे वड्डे पिंडां दे विच जित हासिल होई है। बहुत सारे पिंड जिथे दोनों तिनों पार्टियां इकट्ठियां होकर जोर लाता आम आदमी पार्टी उम्मीदवारां निकला, उत्थे भी जिहड़ा मार्जन है कितने दो कितने चार कितने अठ वोटां दा। तो मैं समझदा सानूं एक पूरी नवी टीम मिली है हल्के दे विच, ते हुण असी जिहड़ी विकास की रफ्तार आ होर तेजी दे नाल, पहलां वी ते हुण होर तेजी दे नाल। ते सब नूं ये बेनती है कि आपां निम्रता ते इमानदारी साडी पहचान है। सारे सरपंच साहिबानां नूं बेनती है कि अपने अपने पिंड दे विच धन्नवादी दौरे करने हैं, जिन वोट पाई उसका भी धन्नवाद, जिन नहीं पाई उसका भी काम करना। कि राज धर्म हमेशा यह कहता जो भी थानू कोई जिम्मेदारी मिले तो तुम सारे बराबर एक अख नाल देखना। पंचायती चोणों के दौरान बुढ़लाडा विधानसभा हल्के अधीन आते पिंड रामपुर मंडेर के उम्मीदवार को पोलिंग बूथ से दाखिल न होने देन अते इस दोष के तहत पिंड रामपुर मंडेर के वासी सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ते बुढ़लाडा विधानसभा हल्के तो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रणवीर कौर मियाँ समेत डिप्टी कमिश्नर मानसा मिले ते मामले की जांच करन दी उन्हां दे वल्लों मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिंड रामपुर मंडेर के ऐसी उम्मीदवार जो जनरल उम्मीदवार के खिलाफ चोन लड़ रहा है उसनों पोलिंग सेंटर के अंदर दाखिल नहीं होने दिता गया। उन्होंने इस मामले की उच्च पदरी जांच की मांग की। असी पिंड रामपुरा मंडेर बुढ़लाडा हल्के पैंदा उत्थे रात साडी कैंडीडेट है बलजीत कौर उहदी काउंटिंग दे विच काफ़ी धक्का कीता गया, उहदे विच इहनां नूं बाहर कढ दित्ता गया। उहदे संबंध विच डी सी साहब नूं कंप्लेंट दे के आए वी उह पूरा माजरा की है, इहदी प्रॉपर जाँच होनी चाहीदी है। वी घट्टो घट्ट इन्नी कु सुनवाई तां होवे, उहदी रीकाउंटिंग तां दुबारा होनी चाहीदी है। रात दे 1 बजे तक लमका लमका के इहनां नूं बाहर कढ दित्ता, मनमर्जी दा नतीजा कुछ करता। हूँ डिप्टी कमिश्नर तुम्हें की भरोसा दिता गया? सरकार के भरोसे जी उन्हें फड़ ली एप्लीकेशन तो कहें इंसाफ देवे तो पड़ताल करा फिलहाल भरोसे उ वापस आ गए। भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिवस संबंधी अज शहर के शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जिस धार्मिक समाजिक राजनीतिक पार्टियां के नुमाइंदियां ने शिरकत की। इस संबंधी जलंधर के कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट चरणजीत सिंह चन्नी भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा च शामिल होए, जिथे उन्होंने मीडिया नाल गलबात करते हुए पंजाब वासियों ते भारत वासियों इस दिवस की वधाई दी ते नाल ही उन्होंने विरसा सिंह बलटोआ अकाली दल विचों 10 साल लई बाहर कढ़े जाण ते कहा कि अकाल तख्त साहिब सिखां दी सर्वोच्च अदालत है, उस अदालत विचों निकलिया फैसला पत्थर ते लकीर है। चोणे की लिफ्टिंग अते खरीद नूं लैके पंजाब च धरने प्रदर्शन लगातार जारी ने। इसे तहत अज कनौली विखे लिफ्टिंग अते ड्राई ना होने कारण किसानों वालों रोड जाम कर दिता गया, जिथे किसानों ने रोपड़ आनंदपुर साहब रोड जाम कर दिता गया जिस कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। किसानों के इस धरने के विच कांग्रेस के वरिंदर ढिल्लों वालों धरने के विच शमूलियत की गई। तो उन्होंने कहा कि सरकार वालों जिहड़े काम हुण किए जा रहे हैं वो लगभग 1 महीना पहला करने चाहिए सन। उन्होंने कहा कि जेकर कोई कुदरती आफत आती है तो किसान कितने जाएंगे तो इन्हों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि साडा मकसद सरकार तक किसानों की गल पहुंचाना है। सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई चल रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब विखे मनाया गया। इस मौके से विद्यार्थियों के वलों कॉलेज करवाए जा रहे सहज पाठ के भोग पाए गए। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर समेत कॉलेज के ट्रस्टी साहबाना जगदीप सिंह चीमा एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी श्रोमणी कमेटी मैंबर अवतार सिंह रिया वालों शमूलियत की गई। इस मौके पर भाई इंद्रपाल सिंह हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर वालों इलाही बाणी का कीर्तन किया गया, जबकि भाई जगतार सिंह जी के वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवन संबंधी कथा विचार संगतों के नाल सांझियां कीतियां गईयां। बीते दिनी इलैक्शन कमिश्न वालों पंजाब के 4 हल्कों की जिमनी चोन का ऐलान किया गया, उत्थे ही अज डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके उन्होंने कहा कि होशियारपुर जिले नाल संबंधित चब्बेवाल हल्के की जिमनी चोन नूं लैके 18 अक्तूबर तो लैके 25 अक्तूबर तक नामजदगियां पत्र ले जाएंगे, 30 अक्तूबर तक नामजदगियां वापस लिया जा सकती ने।
इस मौके उन्होंने कहा कि हलका चब्बेवाल की चोण 13 नवंबर को होगी जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। इस मौके उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कोर्ट सिर्फ चब्बेवाल हल्के विच ही रहेगा। इस मौके उन्होंने दसिया कि इस चोण लई 205 बूथ बनाए जाएंगे। कल माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों चब्बेवाल से कुछ और असेंबली सैगमेंट से बाई इलेक्शन अनाउंस किए गए ने। इस अनाउंसमेंट के हिसाब न 18 तारीख को नॉमीनेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 18 को नोटिफिकेशन होएगा तो 18 तो लेके 25 तारीख तक नॉमीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। 28 तारीख को स्क्रूटनी होकर 30 तारीख तक विदड्रॉल एंड फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बन जाएगा। 13 नवंबर को पोलिंग होएगी चब्बेवाल हल्के की एंड 23-11 को इसकी काउंटिंग होएगी तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेरी सारी ही चब्बेवाल असेंबली सैगमेंट की खास तौर पर वोटर्स नाल अपील है कि तुसी बढ़ चढ़ के इस दे विच अपना हिस्सा पाओ तो अपनी वोट जरूर पाओ। तो असी एक जिम्मेवार जो डेमोक्रेसी दे विच सानू रिस्पोंसिबिलिटी मिली है, जो जिम्मेवारी मिली है, उसनू जरूर पूरा करिए। मामला हुशियारपुर दा है जिथे 22 साल की एक लड़की की नशे के ओवरडोज कारण मौत हो गई। मृतक लड़की की पछाण डिंकी मोहाल जाटा वजो हुई है। मिली जानकारी अनुसार मृतक अपनी सहेली ममता नूं मिलन उसके घर गई सी अते अपनी मां नूं फोन ते सूचित किया कि वह अज अपनी सहेली ममता के घर रुकेगी ते कल वापस आएगी, परंतु ममता ने दसिया कि देर रात डिंकी ना ही उठी ते ना ही बोल रही सी, जिसते परिवार वालिया ने उसनू सिविल हस्पताल हुशियारपुर भर्ती करवाया जिथे डॉक्टर ने डिंकी नूं मृतक ऐलान दिता। पर जदों परिवार वालों डिंकी का मोबाइल चैक किया गया तो एक वीडियो सामने आई जिस दे विच ओ ममता के पति के नाल नशे का टीका लगाउंदी नजर आई सी, जिस तों बाद परिवार ने ममता के पति रजिंदर कुमार खिलाफ बयान दिता ते कि रजिंदर ने नशे का टीका लगाया सी जिस कारण ओवरडोज करके उन्हां दी लड़की की मौत हो गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषी नूं हिरासत दे विच लै लिया है ते उसनूं अदालत च पेश किया जाएगा। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही। होर खबरां लई जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। फिलहाल मैनूं दिओ इजाजत, पर जाण तों पहलां इक रुक करदे आं मौसम दे हाल वल।